Krishna,
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
संत सुना सरे संतो निहाया सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। अहभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। चल रहे इस अपने अनमोल प्रसंग में जोड़ के, प्रसंग है साधना में विघ्न, साधना में बाधा। बड़ा भारी उपकार किया व्यास महाराज जी ने ऐसा प्रसंग चलाकर और उसके युक्ति युक्त साधना सहित उत्तर देकर। आप इस प्रसंग को दुराई के लिए कह रहे हैं, पहले मुझे संपूर्ण कर लेने दो, फिर अगर मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी फिर साधना के विघ्नों पर दोबारा विचार हो सकता है, यकीन नहीं दिला रहा, लेकिन अभी ये प्रसंग पूरा होना चाहिए। हाँ एक जरूरी बात, कैसे हम अपने समय में अंत कुछ एक आपके इस संबंधी प्रश्न उठ रहे हैं, अभी प्रतीक्षा कीजिए, शायद अगले व्याख्यानों में इसका समाधान हो जाए, नहीं तो फिर जैसे आप फरमाएंगे पहले ये प्रसंग पूरा हो जाए। ये नाना प्रकार के विघ्न बंद कर दीजिए, जब आपका इरादा पक्का है, आप दृढ़ निश्चयी गए और साधना में सच्चाई से काम ले रहे गए, तो मुझे पूर्ण आशा है कि विघ्न नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भगवान का फरमान अच्छी तरह याद है और आपको भी याद रहेगा। वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफ और खतर से बचा जाए, ना तो समय जाया जाता है और ना विघ्न आती है। आप देखना कुछ आप में कमी आपको खुद ही अनुभव होने लगेगी। ये कुछ एक जो विघ्न बताए गए कुछ हरेक के मन में प्रश्न उठते हैं। आप जिस तरह साधना किए जा रहे हैं किए जाइए, और साथ ही साथ अपने भगवान से प्रार्थना भी कर देना, मेरी देवियों मेरे सज्जनों ये जरूर कहना, यदि
हम प्रभु सच्चे और पक्के हैं, तो हमारी मदद कीजिए, जो हो ये विघ्न उन्हें हटा दीजिए। बड़े प्रेम से कहना, क्योंकि वो वचनबद्ध है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पर। ये उनका पक्का संकल्प है आप सबके प्रति। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, बड़ा उठाया भी है, उठाता भी चला जाऊंगा। आपको भी वही नेक राय देता हूं जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है। आप भी इसका जरूर लाभ उठाइएगा। जब भी साधना में, जाप में, भजन में, ध्यान में, एकाग्रता में या घर में किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, अड़ोस पड़ोस में जो आपकी साधना में विघ्न पड़ता है, रिश्तेदारी में या कोई ऐसी घटनाएं वाला इंसिडेंट्स ऐसे खड़े हो जाती हैं जो आप में विक्षेपता ला रही हो, सीधा ही भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता करो मेरे प्रभु। गिड़ गिड़ा के एकांत में बैठ के, और चूंकि मैं गीता जी का श्रद्धालु प्रचारक हूं, इसलिए अपना कर्तव्य समझता हूं जैसे प्रभु प्रेरणा दें उसी प्रकार प्रकाश डालकर आपका मार्गदर्शन किया जाए। आपने गीता के प्रति, गीता के ज्ञान के प्रति, गीता के वक्ता भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाई जाए, ताकि आपका मन भविष्य में तनिक मात्र भी दावत डोला होने पाए, उसमें जमा रहे, उसमें लगा रहे। शाबाश। उसमें अपने आप को तलीन कर दे। श्रद्धा में इतनी शक्ति है, जैसे मेरे रिश्ते मुझे अनुभव करवा रहे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे मन जम जाता है तो बहुत ही छोटा शब्द, और इसके अर्थ और प्रभाव बड़ा गंभीर है। श्रद्धा, मैंने कई बार पहले भी बताया, श्रद्धा का यथार्थ अर्थ जो हमारे महर्षि वेदव्यास और बाकी गीता रिसर्च स्कॉलर्स, गीता के अनुसंधान करने वाले, गीता रहस्यकार बताते हैं, वो यही कि भगवान और भगवान के उपदेश बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। ये ही लगा देना जरूर, इस जन्म ही अगर मेरा कल्याण होना है तो भगवान और भगवान के फरमान अर्थात ज्ञान से, और कोई मेरे लिए साधन नहीं। हम ये नहीं कहेंगे हर एक के लिए, अपने लिए कहना, सब्जेक्टिव जाना कि मेरे लिए और कोई चारा नहीं है, मेरे लिए और कोई जरिया ही नहीं है। फिर आपका मन जमा रहेगा। जैसे मेरी नेक बेटियां शादी के बाद ये दिन निश्चय के बाद मैंने अब सारा जीवन इन्हीं के साथ बिताना है, ये मारे धाड़े मुझे टुकड़े कर दे पर मैंने जीवन अब सारा इन्हीं के साथ काटना है, और अधिक से अधिक मैंने इनके जीवन में सुख देना है। सुख लेना ना कहा करो, तब लड़ाई झगड़े की नौबत आती है, सुख देना है। गीता का ये बहुत चोटी का उपदेश है, तुझे काम करना है नहीं उसके फल पर, यानी सुख देना। लेने की बात आप कहेंगे तो ये एक संसारिकता हो जाएगी, स्वार्थ आ जाएगा, मैंने देना है। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं जिसके अंदर ये भाव गहरा उतर गया कि मैंने सुख देना है। आएगा, कहीं भी किसी से भूल हो रही हो तो आज चेक कर लो, तो मैंने अपनी ओर से सुख देते ही भाव आपने बन जाता है, मेरे भगवान पूर्ण रूप आपके साथ हो जाती है। जिनके अंदर ये भाव बन जाता है, स्वार्थ रहित हो जाती है। कितनी बार मैंने कहा स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। आप इस व्यास जी के सिद्धांत को अनुभव कीजिए, स्वार्थ समाप्त तो मन की विक्षेपता ही बंद। मन तो अपने स्वार्थ से धक्के खा रहा है, यहां तहां वहां हेयर देयर एवरीवेयर अपने स्वार्थ को लेके जाता है। जब स्वार्थ ही खत्म हो गया बस, तो अब मैं आगे चाहूं, आगे के विघन पर प्रकाश डालूं।
आप अपनी श्रद्धा बढ़ाते रहने। मैंने तो इस परिभाषा का बड़ा लाभ उठाया है, भगवान और भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। ये भाव मेरे अंदर बड़ा गहरा उतर गया। अगर कोई मेरे अंदर गोता मार के देखे, आप बड़े गदगद हो जाएंगे। यही भाव आप रख लो, भगवान और भगवान के ज्ञान के बिना अर्थात गीता उपदेश के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। अर्जुन का ये भाव इतना चोटी का है जिसकी मैं जान रहा हूं, भला दूसरा है जहां में करे दूर मेरी जो वह। इसे कहती है श्रद्धा अपनी चरम सीमा पर, श्रद्धा अपनी क्लाइमेक्स पर, श्रद्धा अपनी जीनत पर, श्रद्धा प्रकाष्ठा पर। प्रकाष्ठा इनके बिना मेरा कल्याण, जैसे मैंने अभी कहा, बस इसी के इन्हीं के साथ मैंने अपनी जिंदगी काटनी है, यही मेरे जीवन साथी है। सब यही भाव एक पतिव्रता का हमने रख लेना है कि भगवान और भगवान के बिना कल्याण के बिना भगवान के ज्ञान के मेरा नहीं कल्याण हो सकता। कितना लाभ है इस श्रद्धा का मैं जानता हूं जब मेरे कृष्ण जानते हैं। अगर आप मेरा कहना माने तो फिर आपका भी अनुभव शुरू हो जाएगा। क्या हो गया, मन को भागने का मौका ही बंद। मन कहीं नहीं जाएगा, किसी तीर्थ पे नहीं जाएगा, किसी संत के पास नहीं जाएगा, किसी बहकाने पर नहीं बहकेगा, संकल्प कल्प पे नहीं। शादी के बाद आप किसी पुरुष को पति रूप में नहीं देखेंगे, किसी को ललचाई नजर से मेरी बेटी नहीं देखेगी। मैंने जिंदगी काटती उन्हीं के साथ है। हाँ, जैसे आपकी जिंदगी कटी है, यही भाव आप सब रख लेना। मेरे जीवन का कल्याण होना ही नहीं से रख लो, नेक जीवो, मुझे आगे मौका दो, आगे बढ़ू। भगवान और भगवान के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। एक बार तो दिन में कह लिया करो किसी वक्त, भला दूसरा है। जैसे भगवान का पावन चित्र मेरे सामने पड़ा है, मैं ऐसी पावन चित्र लेकर या गीता जी को छाती पर यूं रखकर ये उच्चारण कर दिया करे, मेरे इष्टदेव भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो। आपके बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, आप और आपके ज्ञान के बिना, ये कहना, आप और आपके ज्ञान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। देख रहा आपका मन कितनी जल्दी केंद्रीभूत हो जाएगा। वैसे पतिव्रता का मन एक में ही केंद्रीभूत हो जाता है, इससे सच्चे और पक्के भगत का मन भगवान में ही केंद्रीभूत हो जाता है। आप और आपके ज्ञान के बिना, एक शब्द बोलिए, आप और आपके ज्ञान के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। वन वर्ल्ड इतने आप कमले बनते हैं। श्रद्धा की तो परिभाषा ये है, पर इसका एक शब्द क्या है, अपनी बुद्धि को जरा, क्या मैं कहूंगा, एक शब्द नहीं आता गीता का। अच्छा, मेरे से ले लो और हमेशा याद रखना, मेरे चोट जरूर लगती है, लगनी चाहिए, मन में थोड़ी सी चोट लगती है कि मौके पर आप भूल जाते हैं। बेटे अनन्यता, और ये अनन्यता कहां लगाओगे, अनन्यता अन्य और नहीं जाता मन जिसका। हाय हाय, कितना प्यारा शब्द है भगवान जी का, अनन्यता। ये आपका है नामे ध्याय का 22वां श्लोक, अनन्य चिंतियंता माम ये जना परिउपास्ते, जो करते गए खाली सी बात। खाली सी बात क्या, जो यक दे लो जी में न रखे, जिन्हें और किसी का ख्याल न था। ये शब्द ना भूलना, ये भगवान जी के श्रीमुख से निकला है, अनन्यता, जो मेरे अनन्य पुजारी। अनन्य शब्द तो कोई नहीं होता बच्चे, अन्य की ओर नहीं जाता मन। शब्द तो अन्य है, अन्य मेरे दूसरा, और भगवान तो शब्दों के बनाने वाले गए, अनन्य आ और लगा दिया, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका। इतना तो हमारा मन हो, जैसे आप शादी के बाद आपका मन कहीं उनके छोड़ के नहीं गया, और जिनका जाता है तलाक ले लेती है बड़ी जल्दी, संबंध विच्छेद, तलाक को हमारी राष्ट्रभाषा बोलती है, संबंध विच्छेद में टुकड़े कर देना, पति देव के साथ संबंध के टुकड़े टुकड़े कर देना। बड़ा प्यारा शब्द है संबंध विच्छेद, इसको हम डाइवोर्स बोलेंगे इंग्लिश में। लेकिन जब ये बात के पास, मैंने सारी जिंदगी इन्हीं के साथ काटनी है,
मेरा कल्याण ही भगवान किसे बोलते हैं, अनन्य था। परमात्मा करे ये गुण हमारे अंतःकरण में ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहिए। जैसे गगन उत्तर में, गगन के उत्तर में हर रात्रि को यह तारा चमकता है, ये उत्तर होता है। देखिए कि हमारे पृथ्वी के दक्षिण जहाँ सूर्य निकलता है, ये पूर्व और इसके उल्ट पश्चिम, ये उत्तर। ध्रुव तारा बड़ी शान से चमकता है। इस तरह ये भाव अनन्यता हमारे में शान से चमकते। न मैं कहूं मैं अनन्य हूं, न आप कहे भगवान कहे, ये मेरा अनन्य पुजारी है। अन्य अनन्य का मतलब इसका मन और कहीं नहीं लगता, न किसी और शास्त्र में और न किसी और साधु में, संत में, महात्मा में या ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, न केवल नारायण जी में, जो हमारे ही कल्याण के लिए समय समय अनुसार अवतार लेके आते हैं, जिनका ये वचन है संभवामी युगे युगे, संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में प्रगट होके आता हूं हमारे कल्याण से। चले मैं आगे चाहूं, ये भाव जरूर अपने अंदर देखना, जरूर अपने अंदर गोता मारना कि मैं अनन्य हूं ना, अन्य की ओर नहीं जाता ना मेरा मन। आहा, जरूर चेक कर दिया करो अपने आप को कि मेरा मन अन्य की ओर तो नहीं जाता। फिर आप खुद ही देखेंगे मन बिल्कुल एकाग्र, बिल्कुल एकाग्र, एक में लगा रहेगा, बड़ी जल्दी आपकी पवित्रता बढ़ेगी। साधना में विघ्न, आओ मेरे साथ, साधना में विघ्न। आज देखिए कितना अच्छी बात बता रहे हैं हमारे महर्षि वेद व्यास जी, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति भारत को चमका दी, भारत की सभ्यता चमकाने वाले या प्रकट करने वाले व्यास जी थे। वेदों में तो था ही पर प्रकट इन्होंने किया, इसलिए हम बोलती हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता। आगे कहिए महर्षि वेद व्यास जी, पहले ये एडजेक्टिव लगाइए, जैसे हम अपने पिताजी साथ देखे परम पूज्य पिताजी, परम पूज्या करने लगाया कर बेटी। मैंने कई बार आप लिखते हो माता जी परम, स्त्रीलिंग बनाओ पूज्य पुलिंग होता है, लगाओ आगे आ की मात्रा परम पूज्या माता जी, जैसे माँ बाप पिता लिखती है परम पूज्य, इससे इनसे पहले लिखना चाहिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास। अब लोग आगे कितना बड़ा उपकार किया इन्होंने हमारे पर, कितना क्लियर कर दिया, बस इनका ऋण उतरता भी इसी तरह जैसे उन्होंने कहा अपना लिया जाए बेटी, जीवन में ढाल दिया जाए। तो वो कहते हैं मेरे ऋण से, आगे उन्होंने क्या शब्द लगाया, उरेन हो जाओगे। आहा, ऋण से उरेन, ऊ लगाया उरेन हो गया, उतर गया। ये भी उनकी उदारता है, मैं कहूंगा उनकी समुद्र दिली है, जिन्होंने ये कह दिया कि जो पूर्ण रूपेण अपना लेगा वो महाराज जी के ऋण से उऋण हो जाएगा। वैसे तीन ऋण है हमारे पर, जानते ही आप है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण से आदमी उऋण होता है जब उनके तप के आधार पर मिले हुए ज्ञान को अपना लेता है, अपने जीवन में ढाल लेता है, उसे कहती है उऋण हो गया। मां बाप का उचित आज्ञाकारी बनना, शब्द ये लगाया उचित, अगर कोई वो अनुचित आज्ञा देती है तो अनेकों ने नहीं माना, आप जानते ही हैं अनेक दृष्टांत आते हैं कि अगर धर्म के विरुद्ध कोई आज्ञा देता है तो कितने दृष्टांत है, देखो ध्रुव ने नहीं माना। आप बुद्धू ना बना करें, नहीं जी माँ बाप का कहना है, मानना होता है, नहीं मानना होता। मैं आपको शास्त्रों के पन्ने दिखाऊं जहां धर्म विरुद्ध आज्ञा मिलती है वहां नहीं मानना, इसमें उनका भी, उनको भी हानि है और आपके परिवार और आपको भी हानि है। प्रहलाद ने नहीं मैं माना बाप का क्योंकि धर्म विरुद्ध था। देखिए पितामह ने गुरु को कह रहा नहीं माना क्योंकि धर्म विरुद्ध था, वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैंने ब्रह्मचारी रहना है और सारी शक्ति मैंने लगा देनी है अपने देश के कल्याण में, और गुरुदेव कहती है कि तुम शादी करो, ये लड़की सामने आई है, तीनों बहनें थी ना अंबा, अंबिका, अंबालिका, तुम इसके साथ शादी करो, देख लीजिए नहीं कहना माना,
परशुराम जी का। तुम जानते हो परशुराम जी ने कहा मैं कौन हूँ? मेरे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, तो तुम क्या कह रहे हो? लेकिन ये धर्म के विरुद्ध है, आपने मुझे पढ़ाया था धर्म विरुद्ध बात नहीं माननी, फिर आप ही मुझे ये कह रही है। पर मैं जो कह रहा हूं, पर आपने नहीं कहा था धर्म विरुद्ध नहीं माननी। 7 दिन 7 रात ने युद्ध होता रहा। किसके साथ? कितनी हैरानगी की बात है, पितामह अपना बच्चा अपना शिष्य है और परशुराम युद्ध करते रहिए। आखिर में इंद्र अपने देवताओं को लेकर हाथ जोड़े आया, महाराज परशुराम जी ये क्या हो रहा है? आपकी तो हार हो गई, 7 दिन अपने बच्चे के साथ आप युद्ध कर रहे हो, तो हम किसी को हारने, वो धर्म में है हम नहीं हारने देंगे, और आप गुरुदेव हैं, भविष्य में गुरुदेव पर कलंक आएगा, हम नहीं हारने देंगे। तो फिर ये तो मैच बिना हार जीत के फैसले खत्म करना पड़ेगा, एंडेड इन ड्रॉ। तब उन्होंने शस्त्र फेंक दिए और पितामह को छाती से लगा दिया। ये अब क्या करने जा रहे हो? धर्म विरुद्ध बात नहीं माननी, लो मीरा धर्म विरोध नहीं बात मानी। आप भली प्रकार जानते हैं, अंधा दूध ना काकुर, कई में नहीं जी उनका कहने में माने नहीं मानना, धर्म विरुद्ध बात नहीं माननी है। मैं एक एक दृष्टांत दे रहा हूं, बाप का कहना नहीं प्रहलाद ने माना। अच्छा देख लीजिए, सगी मां का कहना, आप कहते मां बाप से 100 गुना ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नहीं मानना अगर धर्म विरोध बात कहती है। कैसे नहीं माना हमारे, किसने? भरत ने अपनी मां का कहना। एग्जाम्पल भी हमारे साथ साथ पड़ी है, मिसालें भी साथ साथ है, बल्कि झाड़ दिया अपनी मां को, ये धर्म विरुद्ध बात थी जो तूने किया है, केवल मुंह को सामने रखा लेकिन अपने धर्म को सामने रखा। एक एक दृष्टांत, गुरु का कहना नहीं माना हमारे पितामह जी ने, मां का कहना नहीं माना हमारे भरत ने, बाप का कहना नहीं माना प्रहलाद ने, पति का कहना नहीं माना मीरा ने है। इस तरह अगर आप देखें तो आपको कई दृष्टांत मिलेंगे। सगे छोटे भाई ने नहीं कहना माना रावण का, भविष्य ने धर्म विरुद्ध। ये सारी ऐसी बातें क्यों हुई है? आने वाली धार्मिक जनता को शिक्षा देने के लिए। ये एग्जाम्पल है कि मां बाप बहन भाई गुरुदेव या जो हमारे बड़े हैं उनका वही कहना मानो जो धर्म अनुकूल हो। तो नर्जन में खाए शू, आगे आप बोलो हाय हाय, चूम लो इन शब्दों को, सिर माते जो दुश्मन ना हो धर्म। अर्जुन जो धर्म के विरुद्ध कामना नहीं है वो मैं हूं, वो अपनाई जानी, और धर्म को उल्टा है कोई भी कहे नहीं मानी, चाहे कैसा भी सामने आ जाए मानने योग्य नहीं होती है। शाबाश, छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसमें हर एक का नुकसान है। आप कहेंगे क्यों? धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की आज्ञा है और धर्म विरुद्ध भगवान नाराज होते हैं। इसे पिताजी को माताजी को जो भी कोई ऐसी उल्टी पुल्टी राय दे समझा देना चाहिए, माँ तू भोली पाली है, तू ऐसी आज्ञा दे रही है जिससे तेरा और तेरे परिवार को बड़ी हानि पहुंचेगी, मुझे भी बड़ी, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है, अर्थात भगवान जी की आज्ञा के विरुद्ध। मैंने इशारा कर दिया, आप भविष्य में अंधाधुंध किसी की बात नहीं माननी, कोई भी करो जो धर्म अनुकूल हो, एक छोटा सा बच्चा भी कहे सिर झुका दो। एक छोटा सा न्याना काका कहता है बात मान जाओ। इस छोटी सी उम्र वाले सुखदेव, हजारों ऋषियों ने सिर झुका करके सिर चढ़ा लिए उनकी आज्ञा से, क्योंकि उम्र नहीं देखी गई, उनका ज्ञान देखा गया, उनका अनुभव देखा गया। चलो अब मैं आज्ञा मांगू, आगे चले, क्या बाधा आती है आगे, क्या प्रकाश डाला है हमारे व्यास जी ने। साधना में विघन, ध्यान देना, साधना में विघन ये चल रही है। आज कितना नंबर है इसका? कितने बता चुका हूं? आज छठा, सातवां, छह आप सुन चुके हैं। फिर मैं वचन दे चुका हूं, मैं दुराई अगर मेरे प्रभु ने चाहा हम दुराई करेंगे। अब हम आगे बढ़ करके एकाग्रता से काम लेना, बीच में कोई प्रश्न न करना और आगे बढ़ चलो। ये सारी मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, कोई भी घर ना आए, आपका हितैषी हूं, परम हितैषी भगवान होते हैं, उसके बाद हमारे गुरु या हमारे समझाने वाले
होते हैं कैसी। तो परमात्मा से तो मेरी बार बार ये प्रार्थना रहेगी कि किसी प्रकार की कोई बाधा आपके मार्ग में ना आने पाए। गिरफ्तारियों में है, जिम्मेवारियों में है, बाधा आएगी काफी समय से चला जाएगा। कुछ आपकी गलती से बाधाएं आती हैं, कुछ आपके पूर्व संस्कारों से बाधाएं आती हैं। पर दयालु परमात्मा से इस देव से मेरी बार बार प्रार्थना है ना आपके बारे में कोई बाधा ना। आप में इतनी दृढ़ता नहीं है, अभी वो अवस्था मैं नहीं देखता जो भगवान ने कही है, अगर दिल है मजबूत। इतना मजबूती नहीं है जितनी का भगवान चाहते हैं। भगवान मुझे क्षमा करें, इसलिए आप जुटे रहिए, भगवान आपको लगाए रखे। लो मुझे आज्ञा चाहिए और मैं आगे बढ़ जाऊ। साधना में प्राचीनता, अब समय मेरा थोड़ा रह गया, बड़ा विस्तार किया व्यास जी ने। देखिए प्राधीनता साधना में बड़ा भारी विघर है बेटे, प्राधीनता साधना में प्राधीनता। प्राधीन शब्द ऐसा नहीं है जो हमें जानकारी ना हो पर फिर भी प्रकाश डालता हूं। प्राधीनता होती है दूसरे पर भरोसा करना, पर जमा अधीनता, पर मैंने पराया दूसरा, अधीनता मैंने डिपेंड करना, उसका सहारा लेना, प्राधीनता उसके सहारे। जैसे बुजुर्ग आदमी लाठी की अधीनता से चल के आते हैं, प्राधीनता दूसरा का सहारा लेना। साधना में बड़ा भारी विघ्न जी मैं प्रकाश जाने जा रहा हूं, हेडिंग बनेगा इसके, शीर्षक बनेगा साधना में प्राधीनता, बड़ा भारी विघ्न। साधना कौन करना चाहता है, साधना का पहला भाव क्या होता है, मैं अपना कल्याण करूं। ध्यान देना जरा, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं फिर आगे आ जाऊंगा। साधना कौन करना चाहते हैं, कल्याण कामी, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं। और कल्याण किनका होता है, जो पूर्ण पेड़ भगवान का सहारा ले लेती है। दुनिया वालों का कल्याण क्यों नहीं होता, एक नहीं अनेकों का सहारा ले रखा। आप दूसरी जिंदगी पर नजर उड़ाइए या इर्द गिर्द को देखिए, एक नहीं मेरी भगवती अनेकों का सहारा। पता नहीं इनका क्या बनेगा, दुनिया बनाने वाला जाने, अनेक सहारे, अनेक सहारों वाले सदा दुखी होते रहे, क्योंकि सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। जैसे किनारे डूब जाते हैं दरिया के, किनारों का भरोसा क्या। जैसे बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। ये रिश्ते टूट जाती हैं, इन रिश्तों का भरोसा क्या। हाय क्यों, भगवान ने सृष्टि ही बड़ी विलक्षण बनाई है। ध्यान देना, बड़ी विचित्र, दो शब्द लो मेरे से, बड़ी विचित्र बड़ी विलक्षण सृष्टि है अपने इष्ट देव की। विचित्र विलक्षण की परिभाषा क्या होती है, गिरगिट की तरह हर क्षण अपना रूप बदलती रहे, जो उसे हमारी राष्ट्रभाषा बोलेंगे बड़ी विचित्र और बड़ी विलक्षण, वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्टीरियस, वेरी मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज द वर्ल्ड इज, बहुत ही स्ट्रेंज है, ये बदलती रहती है। लाख कोई पिट मरे, भगवान अवतार भी लेके आ जाए, मैं कान पकड़ के बोलूंगा, फिर भी वो सृष्टि के नियम को उल्टा पुल्टा नहीं करते, बदलो 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 बदलो। भगवान कहते जो मैंने नियम बना दिया वो वैसा ही रहेगा, उसमें रदो बदल नहीं करते। तो जो सदा बदलती रहे, खुद ही हमारे परम पिता व्यास जी कहते हैं, उसका भरोसा करने वाला नालायक होता है। पांचवें अध्याय का 22 श्लोक को सिर आंखों पर रखा करो, दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी सहारा नहीं देगा। दुनिया के प्राणी पदार्थों में सबसे बड़ी कमी है तो यही कि ये एक जैसी नहीं जैसी। आप लोगों में मेरे प्रभु की कृपा से एहसास का मादा पैदा होगा, लेकिन संसारी आदमी ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अंदर कामनाओं का, वासनाओं का, इच्छाओं का
बड़ा भारी शोर होने लगा। उनको धक्के खाने पर भी समझ नहीं आई, लेकिन आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि दुनिया विश्वास के काबिल इसलिए नहीं है, इसमें बात बात में परिवर्तन होता है। शरीर में परिवर्तन ले लो, मन में परिवर्तन ले लो, बुद्धि में परिवर्तन ले लो, परिवार में रिश्तेदारों में परिवर्तन ले लो। रब्बा रब्बा, खून का रिश्ता, आपके पेट के बच्चे, शादी के बाद इनको क्या कुत्ता सूंघ जाता है। शादी के बाद वो बेटी बेटी नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं, आएगा जरा सी शादी हुई नहीं, सगी बेटी के विचार बदलते गए। सगी बेटी के जैसे मैंने पिताजी का परिवार देखा, बिल्कुल एकदम बदल जाते हैं। मेरे वैराग का सबसे पहला कारण शादी के बाद बहनों का बदल जा, नजरें बदल जाती हैं। मां बाप के परिवार को अपना परिवार ही नहीं समझती। अभी तक मेरे पास कोई इसके जवाब नहीं। इतना परिवर्तन, इसी को संसार कहती है, सृष्टि इसी का नाम है। इसी को जो मर्जी आप कहिएगा, इसी ये काबिल विश्वास नहीं है। जरा इतनी बात रखिए, जो हम कल्याण चाहते हैं, तो मैं फिर वही रुक जाता हूं। मतलब चारों ओर से अपने मन को हटाकर केवल एक भगवान का सहारा लो। एकाग्र रहना मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामी भोली भाली, उबले हुए आलू की तरह मन रखने वाली देवी। सबका मन रब ने बड़ा नरम बनाया है, जैसे नवनीत होता है। नवनीत अभी अभी जो ताजा निकाला गया मक्खन, उसे बोलते हैं नवनीत। अभी अभी माँ ने अपने हाथ से पेड़े बना बना के मार रखे हैं, उसे नवनीत कहते हैं। तो आपका मन बिल्कुल नवनीत की तरह है। जरा सा गरमैश लगी और पिघल गए, आपका मन मजबूत नहीं होता, पर आप साधना में मजबूत करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने यहां कहां वहां डिपेंड किया था, भरोसा लिया था, अब हटा लेना होगा, तभी कल्याण हो सकता है। आप इधर आप जाप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, कल्याण चाहती हो, अपना परमार्थ बनाना चाहती हो, और फिर भी आप भरोसे लेते हो, क्या फिर भी आप प्राधीनता लिए जा रहे हो? गोता मारना, चलते जाओ। आप अपने अंदर देखना, मेरी प्राधीनता कम होती जा रही है ना। पहले मैं बहुत सारा लेता था पत्नी का, अब कम करता जा रहा हूं ना। सब कल यदि मेरी नौकरी छूट जाती है तो क्या मैं बिल्कुल नौकरी पर डिपेंड करता हूं? मेरा बच्चा बहुत अच्छा, बड़ा आज्ञाकारी है, वेरी वेरी ओबीडियंट, पर क्या मैंने बेटे का सहारा ले रखा है? क्या मेरी खुशी इसी पे डिपेंड करती है? बड़ी सीरियसली जरा नोट कर लो। एक एक को सामने रख लो। पिताजी बूढ़े हो चले गए, सचमुच इनका बड़ा सुख है हमारे परिवार में, पर कल यदि ये चले जाते हैं तो मेरे मन की दशा क्या होगी? मां जी ने बहुत ही सहारा दिया, कोई शक नहीं, बड़ा भारी उपकार है मां जी का, पर कल जी अगर इनका वियोग हो जाए तो क्या पूर्ण रूप से आप इन्हीं के भरोसे? अब आप ही सोचिए, हम सारी कल्याण का लिए पूर्ण रूप भगवान का भरोसा चाहती है। मन आप पेट मरना कल्याण एकाग्र हो ही नहीं सकता अगर आप इनके सहारे लेते रहे। क्यों मैं बताता हूं आपको, जब आप जाप में बैठेंगे, जब प्रातः काल भगवान को हाजी देंगे, हाँ, तो मन बार बार इन्हीं में जाएगा। और अगर पूर्ण रूपेण अपने मालिक के भरोसे हैं, क्या हो गया अगर ये हो गए तो असली सहारा तो मेरे भगवान का होता है। आंतरिक रूप में भगवान सहारा दे रहे होती हैं, बाहरी रूप में मां नजर आती है। क्या देना है मेरे भगवान का फरमान? बाहरी रूप में मां कहते मां बड़ा सहारा दे रही है, पिताजी बड़ा सहारा दे रहे हैं, मेरी पत्नी बड़ा सहारा दे रही है। मेरी पति जी तो मेरे लिए बहुत ही सहायक है, ठीक, मेरा पुत्र तो मेरी लाठी है, ठीक। लेकिन भगवान कहते कमले और गौर से देख, ज्ञान की दृष्टि से देख, दिव्य चक्षु से नहीं, ज्ञान दृष्टि से देख, इन सब के पीछे भगवान सहारा दे रहे हैं।
दरअसल होती गए मेरी की जगह कहिए उनकी ही दाद, इन सबसे पीछे उनकी दाद है, उनकी बख्शिश है जो हमें नजर दिया। तो हम कल्याण कामी है, हम इस बात को जान गए इनके द्वारा, इनके द्वारा भगवान हमारी सहायता कर रही। इसमें कोई आपत्ति या इतराज हो तो मुझसे पूछ दो, वरना भगवान कभी ना मुझे और आपको आज्ञा देते। सहारा किसी का अमल उसका है, ऐन सर की अमल। वो दुनिया में रहता हुआ भी नहीं रह रहा, वो कर्म करता हुआ भी, ये तो भगवान कह सकते थे और कोई नहीं दिलेरी कर सकता ऐसे कहने की, ऐसी जुरत नहीं कर सकता कोई, ऐसे दिलेरियाना ऐलान ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते सिवाय नारायण से। जो पूरे रूप में भगवान का सहारा ले रहा है, वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा, दुनिया में रहता हुआ भी नहीं रह रहा, क्योंकि उसने मानसिक रूप में अपने भगवान का सहारा लिया। यही अवस्था आपकी है, बाहरी रूप में भले ही आदर मान दो माँ जी को, पिताजी को, पति को, अपने पुत्र को या औरों को, लेकिन आंतरिक रूप में देखना है मैंने सहारा तो अपने मालिक का ले रखा। नौकरी छूट गई तो क्या हो गया, मन को समझाइए, अगर छूट गई तो क्या हो गया मेरे मन, क्योंकि सबके अन्नदाता तो भगवान है। आए, आए, आए। कितना प्रभु खुश होंगे अगर ये भाव आपके अंदर बैठ गया है। अन्नदाता तो प्रभु है, सबके रोजी देने वाले तो मेरी स्टेट भी है, जिन्होंने ये आप जैसों को पक्का वचन दे के प्यार दे रखा है, करु हाजते उनकी वो मेरी हिफाजत में हो। सुबह नवे अध्याय का 22वां फरमान, क्या चौथी का फरमान है, योगक्षेम वहां अहम, उनका योगक्षेम तो मैं करता हूं और आपका नहीं करेंगी तो किसका करेंगे, विशेषकर आपका तो उनको करना ही है, क्योंकि वो सारे जहां के गए माता पिता। जरा देखिए कर्पूरी देव की नौकरी छूट जाती है या कोई अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है, आपने देखती रहने की बड़ी जबरदस्त बात है जो हमें सुख देती है, हमारा मन पूरे रूप में उनका सहारा लेने का। नारी तो खास करके मेरी आप माताएं हैं, मेरी बेटियां हैं, आप ध्यान से देख लो, जो जरा सा आपको सुख देगा आप लॉन्ग जंप लेके उसके कंधों पे बैठ जाती है। समझ करना अगर ये दिशा दे रहा हूं तो आपका मन लॉन्ग जंप लेके उसका बन जाता है। लेकिन अब आप कल्याण भी तो चाहती है ना, और आपके कल्याण साधन बताने वाले कहते नहीं, अब भगवान के सिवा और सहारा मानसिक रूप में नहीं लेना, अंदर ही अंदर सहारा आपने अपने भगवान का रख लिया। भले ही माँ जी बड़े उपयोगी नहीं है, पिताजी बड़े उपयोगी है, पति देव बड़े उपयोगी है, यानी वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल टू यू, नो डाउट, वेरी कोऑपरेटिव टू यू, बड़े से योगी है, लेकिन अब कल्याण जो करना है तो कल्याण होता उनके हो गए जिन्होंने इन इस भाव को सदा के लिए अपने कंठ में, कंठ से नीचे छाती में, छाती के नीचे मन में और मन से ऊपर बुद्धि में रख लिया है। सहारा किसी का न ले सकता, जिन्हें अंतःकरण में सुचारू स्थान से दे दिया है सहारा को मेरे परमात्मा का है, जो इनके सुनो सुनो, जो इनके द्वारा मुझे सहारा दे रही है। पकड़ो इन शब्दों को जो गीता में भगवान ने कहे, दरअसल होती गए मेरी गीता, पकड़ लो इनको, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। माँ जी के द्वारा भगवान आपकी सहायता कर रही है। जो कहो बच्चे अपने दृष्टिकोण बदलो, बदलो अपना दृष्टिकोण, पिताजी के द्वारा मेरे प्रभु आपकी बड़ी सहायता कर रही है, पति देव के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पुत्र के द्वारा मेरे प्रभु आपकी सहायता कर रही है, इस बैठे हुए अपने भगत के द्वारा भगवान जी आपको ज्ञान दे रही है, इनके द्वारा सही रूप से देखा जाए तो उपकार भगवान का है, हमारे जैसों का नहीं, क्योंकि शक्ति वो दे रही है, प्रेरणा वो दे रही है। 40 साल लगातार कोई गीता पर बोलता रहे एक असंभव बात नजर आती है, रोज नई बातें, रोज नया ज्ञान, ये कौन देता है, मन नहीं दे सकता, लिमिटेड है, बुद्धि मोस्ट लिमिटेड है, तो कौन देता है बुद्धि और मन को, किसे भगवान। और आप खुद अंदाजा लगाओ एक छोटा सा शरीर 40 साल से लगातार गीता जी पर ही बोलता जा रहा है और हर रोज नए विचार, नए दृष्टांत, हर चीज नई, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑलमाइटी, जिनका कोई एंड ही नहीं, प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता, नाम अनादि अनेक संता, भगवान की अनंत और भगवान की कथाएं भी अनंत है, जो शुरू से महापुरुष गारे गए पर अंत ना हुआ है ना होगा,
अगर हम सारों के पीछे देखा जाए, भगवान जी मुस्कुरा रहे थे, वो ही सहारा दे रहे थे। ये भाव बनाए रखो, आपका मन पक्का सहारा भगवान को ले जाए। वरना प्राधीनता से क्या होता है, अगर हम ये भावना पक्का करें, आपके सिरों की कसम, एक गंदी वृत्ति नहीं छोड़ेगी आपको साधना में। क्या मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, रग़बत। अगर आप बैकग्राउंड में माँ के, पिताजी के, पतिदेव के, पत्नी के, गुरुदेव के या बाकी किसी देवता के, बैकग्राउंड में भगवान को नहीं देखते, उसके प्रति आपका मन पूरी तरह अलिंगत हो जाएगा, पूरी तरह ग्रस्त हो जाएगा। कैसे मरो नहीं छोड़ेगा उसको, इतना सारा दे रही, इनका इतना मेरे को उपकार है, मैं इनका बदला ही नहीं चुका सकती, मैं तो एक दिन भी इनका ऋण नहीं। मरो फिर और मरो, और आपका मन झुकेगा उसके साथ। और ध्यान में विघन है, अनन्यता में विघन है, साधना में विघन, कैसे मोह छोड़ोगे अगर ये बात मन में रखोगे तो। यू मन को कुछ समझाते, भगवान मेरे दयालु कृपालु प्रभु, पिताजी के द्वारा मेरा इतना उपकार कर रहे थी, चेंज योर एंगल ऑफ विजन। ये कितना अच्छा भाव है दसवें अध्याय का, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मुंबा मेरी भाती है। कितना ज्योति का भाव है जो मैं आपके अंतःकरण में सदा श्रद्धा के लिए रखना चाहता हूं। इसी से अटैचमेंट खत्म होगा, वरना अटैचमेंट नहीं खत्म हो सकती। और जहां मोह नहीं खत्म होता, वहां एकाग्रता नहीं आती, क्योंकि मन बार बार उधर जाएगा। किधर? जिसको हमने महत्ता दी है, आएगा जिसको हमने इंपॉर्टेंस दी है। न चाहने पर ही मेरी दीदी, आपका मन उससे किधर भागेगा मेरे सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों। और जब इन सारों के बैकग्राउंड में भगवान को देखते हैं, इनके सारे बैकग्राउंड में कैसे, सिनेमा तो कभी देखा ही होगा। हाँ, अब एक आप पिक्चर देख रहे हैं, नए नए दृश्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी दुखांत आता है, सुखांत आता है, वाला से कभी ट्रेजिडी, कभी कॉमेडी, वन आफ्टर अनदर आई जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। हाँ, कभी नारियां आ रही है, कभी गाड़ियां आ रही है, कभी नर आ रहे हैं, कभी कत्ल हो रहे हैं, कभी प्यार हो रहा है, कभी शादियां हो रही है, कभी अर्थी निकल रही है, कितने चित्र इसके ऊपर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सारे के सारे चित्र इसके ऊपर है, आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वो जो सफेद पर्दा लगा, जिसे अंग्रेजी में स्क्रीन कहती है, ये सारे उसी पर है, उसी पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, मेरी बहुत समझने की कोशिश, ये महापुरुष का दृष्टांत है। आपके स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ आ रहा है, स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये प्रतिबिंब है इस पिक्चर का। अच्छा, इसी तरह माँ बाप बहन भाई, इनके जो उपकार नजर आ रहे हैं, ये किसी भगवान की कृपा की स्क्रीन के ऊपर सब नजर आ रहा है। ऐसा बिठा लो अपने मन में, बिठा लो मेरी भैया, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तू, ये माँ बाप बहन भाई, ये क्या कहे, ये जो नजर, ये तस्वीरें हैं, चित्र ऊपर नजर आती है, इनके बैकग्राउंड में क्या भगवान की कृपा, बैकग्राउंड को अपनी भाषा बोलेंगे पृष्ठभूमि, इनकी पृष्ठभूमि में कौन है भगवान जी। आहा, कितनी सच्चाई है मेरी भगवती, ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, इन सबके पीछे कौन है। तो पीछे तो हम देखेंगे, दुनिया वाले नहीं देख सकते। रजोगुणी को भगवान एक गुण नहीं देते, कौन सा, कभी नहीं देते रजोगुणी को, वो सत्वगुणी को मिलता है। शायद आप नहीं बता पाएंगे कौन ज्ञान चक्षु, चरम चक्षु तो माँ बाप देते हैं, या ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु को भगवान प्रदान करते हैं। और जब तक ज्ञान चक्षु न हो, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये प्रकट होती नहीं, ये ज्ञान चक्षु से पता लगता है। हाँ, क्या, इन सबके पीछे मेरे प्रभु की कृपा, मेरे इस देव की कृपा हो रही है। बिठालो ने मेरे पास बैठे बैठे, अभी बिठा, बाकी आपके पास समय बहुत थोड़ा होता है, कब बिठाओगे, कितने रंडी रोने हैं घरों में, कितने गोरख धंधे हैं आपके समाज में, अभी बिठा लीजिएगा। जितने भी जो कोई भी आप पर उपकार कर रहा है, इस उपकार के बैकग्राउंड में भगवान जी है। इस उपकार के पीछे कौन है, जब पीछे वाले को देखो, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, मालिक इनके द्वारा, सुनो ना भगवान जी, इनके द्वारा आप पर कृपा कर रहे हैं, मेरे इष्ट देव लाल कृष्ण इनके द्वारा आप पर कृपा करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। इस बात को जरा पक्का करो ना, लो अब आपका मन उस एक प्रभु में लगा है, उस एक दाता में लगा है। हा,
हर अनुभवी ने इस बात को प्रकट किया है, पर इतनी किस्मत भी जो जाति भी इस बात को पकड़ा, बड़ी जरूरी बात है मोह छोड़ने के लिए, पूर्ण एकाग्र होने के लिए, पूर्ण एक भगवान का सहारा लेने के लिए इस बात को सदा के लिए बिठाना बड़ा जरूरी है। वरना पिट मरो पूर्ण एकाग्र नहीं हो सकते, बार बार मन उधर जाएगा। अगर अर्जुन का विनय पति देव का पति देव के द्वारा भगवान कल्याण कर रहे हैं मेरा, यूं को भगवान उपकार कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं दृष्टिकोण बदलो, अपने दृष्टिकोण में ये सच्चाई लाइए, इस राज को राज न रहने दो, इस राज को ओपन कर दो कि इनके द्वारा भगवान मेरा कल्याण कर रही है, कोई कोई नहीं। इन माँ जी के द्वारा, पिताजी के द्वारा, हाय बड़े भाई के द्वारा, हाँ पतिदेव के द्वारा, पत्नी के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, या फलाने देवता के द्वारा, या वो शेर वाली मैया कहती है, इनके द्वारा आहा भगवान मेरा कल्याण कर रही है। और ये सच्चाई है, गीता के कृष्ण ने प्रकट किया, जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरी जकी से मुराद, जो दरअसल होती है मेरी कृपा के बदौलत वो सब कुछ पा रहा है। अब आपका मन केवल भगवान का सहारा लेकर रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में तो वही है, पीछे तो वही सबको, सबके द्वारा वही तो कर रही थे। वाह, मेरे गुरुदेव जी ने इस साधना के विघन को समझाते हुए एक और बड़ा सा दृष्टांत दिया है, जो मैं समय समय अनुसार समझाता रहता हूं, अब भी मेरा क्लियर करना जरूरी हो जाएगा। समझिए दृष्टांत दिया, सारी काफी जिंदगी उन्होंने गंगा के किनारे काट डाली जंगलों में, उन दिनों बड़ा एकांत था उत्तरकाशी में। 1901 की बात सुना रहा हूं, जबकि अब ये 20वीं शताब्दी, उन दिनों 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी, अब 20वीं शताब्दी के केवल 6 साल रह गई, 1994 जा रहे 6 साल और, फिर 21वीं शताब्दी चलाएगी। तो फरमाती हैं, स्वामी जी एक नजम लिख रहे थे, बहुत अच्छे कवि भी हुए हैं, उस कविता को लिखते हुए जैसा चाहते थे नीति का अंतरा बनाना वो बन नहीं गई, उनकी नजर ऊपर चली गई भगवान से प्रेरणा लेने के लिए। ऊपर देखती है कोमल कोमल सी टहनी है, उस पर पक्षी अभी आके बैठा, और टहनी कोमल है, मानो 4 दिन हो गए या 10 दिन हुए अभी नहीं निकली है, उसके ऊपर प्राणी मोटी टहनी है। तो कहने लगे ऐ प्यारे पक्षी स्वामी जी प्रणाम, समझो दृष्टांत सुन लीजिए, कहने का ढंग स्वामी जी का, ऐ स्वामी जी प्रणाम, मेरा कहना मानो, क्यों नहीं, आप कहो और मैं मानूंगा, आप ओपनली टहनी पे बैठ जाओ। क्यों स्वामी जी, ये टहनी भी नर्म है, मुझे भय है कि तेरे बोझ से ये दब जाएगी या टूट जाएगी, और नीचे देख कुत्ता बैठा है, अपनी जीभ निकालो जो तुझे पकड़ लेगा खा जाएगा, तेरी जान को खतरा है, सिर्फ थोड़ी सी उड़ारी मार के ऊपरी टहनी पे बैठ के खूब मस्ती में बोलो। स्वामी जी वो तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, पर एक बात कह देता हूं, क्या मैं टहनी के सहारे बैठा हूं? स्वामी जी ने ऐनक पहन रखी थी, उतार दी, अपने दोनों आंखों को मला। हाँ स्वामी जी, फिर प्रश्न पक्षी किया, मैं रिश्ता कर रहा हूं क्षमा करना, क्या मैं टहनी के सहारे बैठा हूं? दिखाई तो ऐसे देता है, तो स्वामी जी आप कविता तो यही बना रहे कि जो दिखाई देता है वो धोखा है, जो दिखाई देता है वो माया है, माया का तो धोखा इल्यूजन, ये कैसा धोखा, ये तो नजर आ रहा है। स्वामी जी मैं जिद नहीं करूंगा, सचमुच में टहनी पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं। हाँ हाँ, पर स्वामी जी जरा पैनी दृष्टि से काम दीजिए, वहां ये शब्द आता है, जरा ज्ञान चक्षु से देखिए, मैं नजर तो आ रहा हूं मैं टहनी के सहारे बैठा हूं, लेकिन मैं तो परों का सहारा लेके बैठा हूं। मुझे ध्यान देना जरा, जो पर आपको नजर नहीं आ रहा है, पर मैंने अपने अंदर सुकेट रखे हैं, जैसे भगवान ने पर बनाए थे, जैसे कागजों की तय हो, जैसे ये रुमाल की तय होती, ये तय, ये ऐसी तय नजर नहीं आती, इतने पक्षी के पर कैसे यूं अपने शरीर के साथ फट जाती है, सटना संलग्न हो जाती है, इंटेक्ट हो जाती है, एफिक्स, उन्हें शब्द एफिक्स, जैसे टिकट लगी पड़ी हो लिफाफे पर,
टीका लगाने को मुझसे अफेक्ट करना, तो पर उसके अफेक्ट हुए पड़ेंगे शरीर के साथ जो नजर नहीं आते, संग लगन हुए पड़ेंगे। तो स्वामी जी मैं तो परों का सहारा लेके बैठा हूं कहने के सहारे में। और स्वामी जी ने विचार बहुत अच्छी कविता बना लिया कि वो इंसान लंबी उड़ारियां भर जाएगा, चाहे वो समाज में रहे, नगर में रहे, मन में रहे, गृहस्थी बन के रहे, दृष्टि बन के रहे, लेकिन मन ही मन में सहारा अपने भगवान का लेता है। ये बहुत असल बात है, अंदर ही अंदर सहारा अपने प्रभु का लेता है। और ना मेरी सरकार हो, मेरी भोली सरकार बड़ी भारी जिगर है, क्या प्रतंत्रता, मन फिर उसी का चिंतन करता है, फिर जो आदर मान सत्कार हमने भगवान का करना था वो मन उसका देगा, क्योंकि जिसका उपकार मानेगा उसी को ख्यालों में लाएगा। एक सिद्धांत है मन का, क्या जिसको महत्ता देगा उसी का मन चिंतन करेगा, ये हमेशा याद रखेगा। ये एक सिद्धांत है, ये एक नियम है परमात्मा ने बना रखा, आप जिसको भी महत्ता देंगे चिंतन की दुनिया में वही बार बार आपके आएगा, ख्यालों की दुनिया में वही आपके अंदर आया करेगा। तो क्यों ना जो सच्चाई है, क्या महत्ता देने जो केवल भगवान की है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, अपनी ओर से सब कुछ शक्ति दे रही है। आए, आए, आए। महत्ता देने की मैं समझाता हूं, महत्ता देने की योग्य ट्यूब नहीं, बल्ब नहीं, या अपनी अपने हीटर नहीं, अपने रेडियो नहीं, अपनी टीवी नहीं, अपनी फ्रिज नहीं, महत्ता देने योग क्या गए, पावर हाउस है। बड़ा सा दृष्टांत अगर आप मन में रख लेते, महत्ता देने योग पावर हाउस है, जहां से पावर की करंट आ रही है और इन सारे पॉइंट में अपना रंग दिखा रही है। इसी तरह महत्ता देने योग माँ बाप बहन भाई यथार्थ रूप में नहीं, महत्ता देने भगवान की सर्वशक्ति महत्ता है जो सब कुछ शक्ति दे रही है। बौद्धिक शक्ति किसने दी भगवान ने, मानसिक शक्ति किसने दी भगवान ने, शारीरिक शक्ति किसने दी भगवान ने, साधन की शक्ति किसने दी भगवान ने, तभी तो माँ बाप आपकी सेवा करता है, तभी तो पति देव पत्नी आपकी सेवा करती है, उसको बौद्धिक शक्ति भी मिले, मानसिक शक्ति मिले, शारीरिक शक्ति मिले और बाहरी रूप में भी शक्तियां मिले, तब कोई आपकी सेवा कर सकता है। तो ये शक्ति इसके बैकग्राउंड में कौन है, बौद्धिक मानसिक शारीरिक भगवान। मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन, इससे बढ़ के कोई क्या समझाएगा, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया के चक्कर चलाता। बड़ा आदर दो पतिदेव को, पत्नी को, पुत्रों को जो आपके बड़े उपकार कर रहे, लेकिन ये भी ना भूलो इनके पीछे तो मेरे इष्ट देव है जो इनके द्वारा मेरा भला कर रहे, इनके बैकग्राउंड में तो मेरे प्रभु है, कोई ना भूलना। और नेक जीवो और नेक देवियों, हमारे इष्ट देव ने ये पाठ पढ़ाया है, पता नहीं मैंने कितना पक्का किया और आपने कितना पक्का किया, ये भगवान बेहतर जानते हैं। क्या जो है कुछ नजर तो नजर में रहे जिसकी, पता नहीं आपने कितना पक्का किया है, मैंने जितना किया है भगवान बेहतर जानते हैं, आपने जितना पक्का किया वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो सर्व जाता है। वरना बड़ी बाधा दे, और नेक जीवो और नेक भोली भाली देवी हो, फिर मन का ख्याल उससे नहीं हटेगा, उसी की तरफ जाएगा। हम तो इनको आदर दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, पूरा करेंगे, लेकिन ये आप इस दृष्टिकोण बनाएंगे इनके द्वारा, तो मैं बार बार कह रहा हूं, अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, इनके द्वारा भगवान मेरा उपकार कर लेंगे, इनके द्वारा भगवान मेरी सेवा कर लेंगे। ये जितना भी अवसर दिया भगवान ने इनके द्वारा दिया है, इनके द्वारा बाय मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ इनके द्वारा आप नए नए अंबाला में आए गए, आपकी ट्रांसफर हुई है, आपने एक कोठी का एक हिस्सा ऊपरला हिस्सा किराए पर लिया, नीचे सेठ की रहती है, बड़ी भारी ऊंची बिल्डिंग है लाखों की, ऊपर के सारा पोर्शन आपको मिला, आप 2000 रुपया पर मंथ किराया देती है। हाँ आप एक बड़े अफसर है जी, आपके दिन में 10-12 पत्र आते हैं। हाँ सेठ जी के द्वारा लिखा होता है, केयर ऑफ सीओ लिख लेते हैं ना, केयर ऑफ हिंदी में द्वारा। हाँ इतने पत्र, 12 पत्र आते हैं आपके, 14 या 20 पत्र आएंगे, सेठ जी का आपका नाम लिखा होता है,
श्री धनी राम जी, केयर ऑफ श्री सेठ मोहनलाल जी, केयर ऑफ पात्र किसके गए, कमला हो जाता हूं सब कुछ, ये पात्र किसके है, धनी राम जी के, हाँ पर सेठ जी के द्वारा आ रहे गए, ये उपकार कौन कर रहा है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के द्वारा, भगवान जी कर रहे इनके द्वारा, बेटे पत्र तो आपका है पर सेठ जी के द्वारा, क्या आप क्योंकि बिकॉज यू आर न्यू कमर टू अंबाला एंड टू दिस बिल्डिंग, आपको कोई नहीं जानता, सेठ जी को सारे जानते हैं, इसलिए आप उनके द्वारा ले रहे हैं, हाय भगवान को कोई नहीं देख रहा पर माँ बाप को सारे देखती है, पतिदेव को देखती है, पत्नी को देखती है, गुरुदेव को देखती है, देवी देवताओं को देखती है, पर अब हमने देख लेना चुके भगवान जो मैं जान सकती ले रही कि इनके द्वारा भगवान ही मेरी सेवा कर रहे हैं, वरना सोच लो आप आज जाके नींद लेने से पहले आराम पर सोचना, वरना मेरा मन पूर्ण रूप केंद्रीभूत कैसे होगा भगवान में, और केंद्रीभूत नहीं होता तो ये शर्त कैसे पूरी करोगे, ख्याल उसके मन में रहेगा, आप फेल हो जाएंगे जिसके शर्त को नहीं पूरा कर सकेंगे, चारों ओर से ख्याल कैसे हटाओगे, चारों ओर से अपने माइंड को कैसे विड्रा करोगी, ये भोली भाली रब ने नारी भी ऐसी बनाई है जो मन बड़ा नरम बनाया है, क्योंकि आपको माँ बनाना था, लेकिन अब आप तो साधना कर रही है और साधना में तो बड़ा पत्थर मन चाहिए, बड़ा मजबूत मन चाहिए, जैसा मीरा जी का था, मीरा शरीर से नारी रही लेकिन मन से नहीं, करमैती बाई शरीर से नारी रही मन से नहीं है, पढ़ो जीवनी करमैती बाई की, मीरा की आपने कई बार पढ़ी, जरा मुसलमानी रबिया की पढ़िए, शरीर से तो नारी के अंग रहे और मन से न रहे, अब आपको मन से एक पक्का नर बन जाना पड़ेगा, भले ही शरीर नारी वाला हो और मन एक पक्के भक्त वाला या नर वाला, स्ट्रॉन्ग माइंड, आपको पत्थर की तरह मन बना ले लोगा, इसको व्यास जी ने क्या लिखा है, पाषाण दे, पाषाण पत्थर बोलती है, पा आत्म मात्रा शापित फटा, फिर आपकी मात्रा आना, पाषाण हृदय, भक्त इजिकल टू पाषाण हृदय, वो पत्थर जैसा मन रखता है, या और दूसरे शब्द क्या कहा है पढ़ा कहीं आपने, वज्र हृदय, वज्र जो इंद्र के हाथ में है, दो ही मैंने शब्द पढ़े हैं, दो ही आपकी झोली लगाता, पाषाण हृदय या वज्र हृदय, जब भगत का बनता है तब उसका मन भगवान में केंद्रीभूत हो जाता है, तब उसका मन इधर उधर नहीं डोलता, तब ये शर्त पूरी हो जाती है, ख्याल उसके क्योंकि असलियत की पहचान हो जाती है, वरना मैं फिर कह रहा हूं साधना में विघ्न क्या, साधीनता परावलंबन है, दूसरे को देखती नहीं, मैं इतना हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार बड़ा पाप है, मेरे माता पिता की पूरा उपकार कर रही हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये रजोगुणी कह तो कह कि मेरे पति देव कितना उपकार कर रही हैं, ये आपको उचित नहीं है, आप अपने दृष्टिकोण बदलो, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।